दोस्तों, लोग कहते हैं नया साल आया है, खुशियां मनाओ और जश्न मनाओ। दोस्तों, मुझे आज बरसों बाद एक बात याद आ गई। मैंने सोचा और परखा तो ये सामने बात आई, जो नए साल की हम खुशियां मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, बेकार है। बेकार दोस्तों इसलिए है, जरा ध्यान से सोचो, अपनी उम्र और जिंदगी के जीने का हर साल नए साल के रूप में जो खुशियां मनाते हैं वो कम होता है दोस्तों, कम होता है। तो बताइए जरा, खुशियां और जश्न मनाना, इसमें अपने आप को कैसे शामिल किया जाए, जो अपनी जिंदगी का नए साल के रूप में, जिंदगी का हर एक साल कम होता है। दोस्तों गौर फरमाइएगा, लोग अपने जन्मदिन को बहुत ही अच्छे से मनाते हैं, ठीक उसी तरह से का दूसरा पहलू, तो लोग जश्न मनाते हैं कि हमारे आज जन्मदिन है और हम इस दिन पैदा हुए थे, और खुशियां मनाते हैं। दोस्तों मेरे हिसाब से वो भी गलत है, क्योंकि जो लोग जन्मदिन में अपनी खुशियां मनाते हैं उनको पता नहीं है कि हमारी जिंदगी का एक साल और कम हुआ। दोस्तों कैसे खुशियां और जश्न मनाया जाए, तो दोस्तों इस साल हमने अपने किसी फ्रेंड को और किसी दोस्त को और किसी भाई और बहन को इस नए साल 2022 की मुबारकबाद नहीं भेजी, बस इसीलिए। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों और ज़्यादा शेयर कीजिए, और मैं चाहता हूँ इस चीज़ को समझें आप, जो हम ये चीज को भुला के खुशियां मनाते हैं। जय हिंद, जय भारत।